बहुत टाइम हो गया उनसे रन्स नहीं हो रहे, तकरीबन 2-3 साल हो गए होंगे उनसे रन्स नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रेशर में है कि मैंने रन्स निकालने किसी तरीके से। तो ये सबसे बेस्ट हल है, फिटनेस वाइज देखें, फिटनेस पे वो इतना काम करते हैं, डाइट के ऊपर देखें, डाइट बड़ा सोच समझ के वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आपको जैसे पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, मैं उसके ऊपर बात तो नहीं करता खैर, लेकिन विराट कोहली के ऊपर मैं थोड़ी सी आज बात करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि एज अ क्रिकेटर इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली बहुत ही टॉप का प्लेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त वो प्लेयर है। और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो हमारे लोग हैं वो स्पेशली वैसे ही इंडियन प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं, या एशियन जितने भी प्लेयर्स आते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जो एशिया की जो क्रिकेट का जो स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट होता है और कंट्रीज से, तो बड़े इम्प्रेस होते हैं जो इंडिया से या बांग्लादेश से या श्रीलंका से या पाकिस्तान से भी कोई भी ऐसे टॉप के प्लेयर्स आते हैं तो उनकी बड़ी एशियन क्रिकेट क्रिकेट के ऊपर बड़ी बात होती है। तो काफ़ी टाइम हो गया है विराट कोहली एज अ क्रिकेटर, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि बहुत टाइम हो गया उनसे रन्स नहीं हो रहे, तकरीबन 2-3 साल हो गए होंगे उनसे रन्स नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से रन्स किया जाए, और इतने अरसे में 100 भी नहीं वो अभी तक कर सके। तो इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली के ऊपर जो प्रेशर होगा, जिस तरीके से उन्होंने अपना इतना नाम बनाया हुआ है, जो उनके रन्स हैं, जितनी सेंचुरीज हैं, एक टाइम ऐसा था कि वो सेंचुरी से कम बात ही नहीं करते थे कि कम रन्स हों, 100 पे 100 100 पे 100 किया करते थे, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट में भी उनकी बड़ी टॉप की परफॉर्मेंसेज रह चुकी है। ये एज अ क्रिकेटर मैं ये समझ सकता हूँ कि विराट कोहली के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। आपने अभी IPL जो चल रही है उसमें भी आपने देखा होगा कि उनकी उनके लेवल के हिसाब से कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, और अब जो है वो मीडिया में हर जगह पे बातें शुरू हो गई हैं कि क्रिकेटर्स भी ये बात कर रहे हैं कि विराट कोहली को रेस्ट लेना चाहिए, विराट कोहली बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, ये रेस्ट करेंगे तो उनकी फॉर्म वापस आएगी। मेरा विराट कोहली को मशवरा ये है कि सबसे पहले तो मैं जो मशवरा दे रहा हूँ तो लोग जब सुनेंगे बोलेंगे जी ये क्या बात हुई जी, विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर, ये इन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले, ये क्या मशवरा दे रहे। मेरे ख्याल में विराट कोहली से भी अगर आप पूछें तो वो भी ये ज़रूर बोलेंगे, जिसने क्रिकेट खेली है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल ना खेला हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला हो, लेकिन उसको समझ ज़रूर होती है कि वो भी विराट कोहली, ये अगर विराट कोहली से पूछें वो भी बोलेंगे कि वो भी मुझे मशवरा दे सकता है, क्योंकि जिसने क्रिकेट खेली है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ बता सकता है कि शायद वो उसके फ़ायदे की हो। मैं जो समझा हूँ कि विराट कोहली जिस तरीके से मेहनत करते हैं अपनी फिटनेस के ऊपर, जो जिस तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं, या मुझे ऐसा लगता है वो कोई चीज़ हासिल करने के लिए वो एफर्ट करते हैं, तो इस किस्म का बंदा जो है वो एक तो प्रेशर बहुत है उनके ऊपर, इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर बहुत है, बड़ा नाम है, रन्स नहीं करते, प्रेशर आ जाता है, किसी भी फॉर्मेट में उनसे रन्स नहीं हो रहे, तो रेस्ट मेरी नज़र में रेस्ट ना करें। रेस्ट क्या ना करें कि उनको बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की वो एफर्ट या मेहनत करने वाला प्लेयर है मेरी नज़र में उनको घर नहीं बैठना चाहिए। हाँ, ये उनको ज़रूर करना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा सा रेस्ट लेके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले जाके, डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ साथ अगर कोई क्लब क्रिकेट का भी उनको मैच मिलता है वो भी खेले जाके। उससे होगा क्या, होगा ये कि अभी उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में या IPL जैसे स्टैंडर्ड में उनकी जो फॉर्म है वो उस तरह नहीं सामने आ रही, क्योंकि जाहिर सी बात है तगड़ी क्रिकेट हो रही है IPL के अंदर भी या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, उसमें जब एक दफ़ा प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है और इतना बड़ा प्लेयर, तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत आता है। इसमें कोई शक नहीं, इंसान है भाई, वो भी प्रेशर लेगा, ऐसा कोई नहीं, दुनिया का कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि ये प्रेशर नहीं लेता। बड़े बड़े प्लेयर प्रेशर लेते हैं, आपको याद होगा एक टाइम था ब्रायन लारा का, ब्रायन लारा भी इतने ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे कि उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी फॉर्म किस तरीके से वापस लेके आऊं। तो बड़ा प्लेयर जल्दी प्रेशर में आता है जब उसकी फॉर्म वापस नहीं आती। तो डोमेस्टिक क्रिकेट, मेरा जो मशवरा है विराट कोहली को, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मकसद ये है उनका कि
डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस लेवल का विराट कोहली प्लेयर है उस लेवल के बॉलर नहीं है, ठीक है ना। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, जब आपसे लो लेवल के बॉलर जो हैं वो बॉलिंग आपको करेंगे, तो आपके ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप उस इनिंग में बड़े 100 करेंगे, 100 करेंगे, 150 करेंगे, हो सकता है 200 रन भी कर जाए। तो कहने का मकसद ये है, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने ये रन्स लेके आएंगे ना वापस, जब आप रन्स करना शुरू करेंगे, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर होने लग जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होने लग जाएगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इस टाइम किसी टॉप बॉलर के खिलाफ खेल रहा हूँ या हल्के बॉलर के खिलाफ खेल रहा हूँ। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप रन्स कर रहे हैं, तो जब आपके ऊपर रन्सों का प्रेशर है इस टाइम, आप बेशक वीक बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट डोमेस्टिक में खेल के या क्लब क्रिकेट में खेल के जब आप रन्स कर रहेंगे, तो आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस जाएंगे तो आपको ये पता होगा, आपके माइंड में एक चीज़ होगी कि हाँ मैं डोमेस्टिक तो खेला हूँ, क्लब क्रिकेट तो खेला हूँ, लेकिन मैं 100 किया है वहाँ पे, मैंने 150 किया है वहाँ पे। वो जो आपको उस चीज़ का जो आपका कॉन्फिडेंस मिलेगा, 100% वो कॉन्फिडेंस आपका जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वापस आएगा। क्योंकि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली से रन्स नहीं हो रहे बिल्कुल, वो भूल गए हैं कि मैंने रन्स मेरे पास आ क्यों नहीं रहे, मैंने रन्स करने किस तरीके से। ऐसा नहीं कि उनको खेलना नहीं आता, वो स्ट्रगल इतना कर रहे हैं, उनको बॉल इतनी अच्छी हो रही है, उनके कैच इतने अच्छे लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से वो प्रेशर में है कि मैंने रन्स निकालने किसी तरीके से। तो ये सबसे बेस्ट हल है। फिटनेस वाइज देखें, फिटनेस पे वो इतना काम करते हैं, डाइट के ऊपर देखें, डाइट बड़ा सोच समझ के वो लेते हैं। तो जो मैं समझा एज ए क्रिकेटर कि इनको क्लब क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाना चाहिए, रेस्ट नहीं करें। रेस्ट जो लोग कहते हैं ना कि जी विराट कोहली रेस्ट कर लें, रेस्ट का मतलब ये होता है कि घर बैठ जाएं, कुछ भी ना करें, अपना घूमें फिरें, इंजॉय करें फैमिली के साथ, वो ठीक है, वो टाइम निकलता है, लेकिन ये रेस्ट क्रिकेट से रेस्ट मत करें, क्योंकि आपको रन्स चाहिए। आप जब तक रन्स नहीं करेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा मैं 100 कर रहा हूँ, 200 कर रहा हूँ, 150 कर रहा हूँ, आपको घूमने फिरने का भी मजा नहीं आएगा। जब तक आप वो रन्स करेंगे तब आपको घूमने फिरने का मजा आएगा, क्योंकि वो प्लेयर इतना बड़ा है। तो मेरे ख्याल में विराट कोहली की जो नीचे की क्रिकेट है वो उनको जरूर खेलनी चाहिए। वहां पे जब वो रन्स करेंगे आप देखिएगा, उसके बाद जो ये मेरा मशवरा है विराट कोहली को, हो सकता है, जाहिर सी बात है इंडिया में इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, कोई ना कोई मशवरा तो दिया होगा। लेकिन एज अ क्रिकेटर, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि विराट कोहली जो है वो अपनी फॉर्म में वापस आए, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं कि शायद विराट कोहली इस चीज़ के बारे में सोचे। ये नहीं कि मैंने बोला है तो सोचे, वैसे भी शायद वो सोचे कि मुझे थोड़ा सा डोमेस्टिक या क्लब क्रिकेट खेलनी चाहिए, वहाँ पे जब मैं रन्स करूँगा और मेरे पॉकेट में जब रन्स आएंगे तो फिर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके अच्छा परफॉर्म करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।